तो गाइस अगर आप भी अपनी एंड्रॉइड की वीडियो को आईफोन जैसा बनाना चाहते हो तो गाइस आज की वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, क्योंकि आज की वीडियो में आपको कुछ इसके सीक्रेट ट्रिक्स भी बताने वाला हूं। तो गाइस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर से कर देना। बाकी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले करना क्या है, आपको अपने VN ऐप को ओपन करना है और गाइस आपको अपने VN ऐप डाउनलोड कैसे करना है वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, गाइस आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, तो आपको पे ओपन कर लेना है, देन आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और गाइस आपको पे वीडियो वाले ऑप्शन जाके अपनी कोई एक सिंपल सी वीडियो चूज कर लेनी है। तो गाइस मैं ऐसी वाली वीडियो चूज कर रहा हूं, देन आपका पे एयर वाला ऑप्शन क्लिक करना है। सो गाइस आपकी वीडियो आ चुका है, आपको पे लास्ट में जाना है, वाट हमारे पे क्लिक करना है और आपका पे डिलीट कर देना है। तो गाइस सबसे पहले क्या करना है, गाइस पहले आपका पे कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी गाइस, उसके बाद आपका पे सीक्रेट फिल्टर ऐड करना पड़ेगा आईफोन वाला, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। तो गाइस सबसे पहले क्या करना है, आपका पे एडजस्टमेंट करनी है, उसके बाद आपको पे फिल्टर अप्लाई करना है। ठीक है, तो गाइस पहले आपको पे फिल्टर वाला ऑप्शन क्लिक करना है, देन आपका पे एडजस्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना है, गाइस आपको पे एक्सपोजर को बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ा देना है, देन आपको कॉन्टेंट पे क्लिक करना है, गाइस आपका पे कॉन्टेंट को थोड़ा सा बढ़ाना है और आपका पे सैचुरेशन पे क्लिक करना है, गाइस आपका पे सैचुरेशन को बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ाना है, देन गाइस आपका भी वाइब्रेंस पे क्लिक करना है एंड आपका पे इसको अपने वीडियो के हिसाब से रखना है। सो यहाँ पे से इतना करेंगे, देन आपको टेम्परेचर पे क्लिक करना है, गाइस आपका पे टेम्परेचर को बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ाना है। सो गाइस फिलहाल यहाँ पे से इतना कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे 5 ग्राउंड कर लेंगे, देन आपका पे HSL वाला ऑप्शन क्लिक करना है, गाइस आपका पे ऑरेंज वाले कलर पे क्लिक करना है। ठीक है, और गाइस आपका पे इसको लाइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा देना है, तो गाइस आपका यहाँ पे जो फेस होगा यहाँ पे थोड़ा सा व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे फेस ही व्हाइट कर सकते हो, देन आपका पे शार्पन पे क्लिक करना है, गाइस आपका पे शार्पन को थोड़ा सा बढ़ा देना है, तो गाइस आपकी वीडियो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्वालिटी आ जाएगी, आप यहाँ पे देख सकते हो। गाइस आपका पूरा फुल बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ाना है, देन आपका एडिट वाला ऑप्शन क्लिक करना है। तो गाइस अभी क्या करना है, आपका भी फिल्टर अप्लाई करना पड़ेगा, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। गाइस आपका ऐसे बिल्कुल बैक करना है और आपका ऐसे अपने फाइल मैनेजर को ओपन करना है। ठीक है, फाइल मैनेजर को गाइस आपको बिल्कुल नया तरीका बताने वाला हूँ। गाइस आपका भी फाइल वाला ऑप्शन क्लिक करना है, देन आपको पे डाउनलोड वाले ऑप्शन क्लिक करना है। ठीक है, इस वाले पे, और गाइस देखो आपका पे एक सीक्रेट फिल्टर मिलने वाला है और गाइस फिल्टर को बनाने में गाइस बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, गाइस बिल्कुल नया फिल्टर है, तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो गाइस आपका पे थोड़ा ऊपर नीचे करके देख लेना, आपका पे बहुत इजीली मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे ये वाला फिल्टर है, गाइस आपका पे इस वाले फिल्टर पे इस टाइप से क्लिक करना है, देन आपका पे मोर वाला ऑप्शन क्लिक करना है, गाइस आपका पे रीनेम वाला ऑप्शन क्लिक करना है और गाइस देखो गाइस अगर यहाँ पे .cubi के बाद में अगर यहाँ पे कोई भी वर्ड होगा आपको उसको कट कर देना है, आपको इस टाइप से क्लिक करना है एंड आपका पे इस टाइप से कट कर देना है। गाइस आपको पे लास्ट में सिर्फ .cubi रहने देना है। ठीक है, अगर इसके बाद में कोई भी वर्ड आपको कट कर देना है वरना यहाँ पे VN ऐप में ऐड नहीं होगा। देन आपको ओके वाला ऑप्शन क्लिक करना है और आपका पे फिर से ओके वाला ऑप्शन क्लिक करना है। सो गाइस आपका फिल्टर बन चुका है, आपका पे इस पे क्लिक करना है, देन आपका पे सेंड वाला ऑप्शन क्लिक करना है, गाइस आपका सब VN ऐप को चूज करना है। ठीक है, इस वाले को तो क्लिक करेंगे, चूज करेंगे, देन आपको ओके वाला ऑप्शन क्लिक करना है और आपका पे यूज्ड फिल्टर्स वाला ऑप्शन क्लिक करना है। गाइस आप ऑटोमेटिक ये आपके VN ऐप में ऐड हो जाएगा, तो अभी बिल्कुल ध्यान से देखना। गाइस आपका अपने वीडियो को फिर से ओपन करना है, देन गाइस आपका पे फिल्टर वाला ऑप्शन क्लिक करना है एंड गाइस आपका पे फिल्टर वाले ऑप्शन क्लिक करना है, आपका भी बिल्कुल शुरू में देखने के लिए मिलेगा ये वाला। तो अगर जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे ऑटोमेटिक ये अप्लाई हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे इसके इंसिटिटी को अपने हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हो, तो फिलहाल यहाँ पे पूरा ही कर लेते हैं, देन आपको राइट वाला ऑप्शन क्लिक करना है, आप यहाँ पे चला के देख सकते हो जैसा बिल्कुल आईफोन वाला इफेक्ट आ चुका है इस वीडियो के अंदर। गाइस यहाँ पे बिफोर है, गाइस यहाँ पे बिल्कुल बेकार है और यहाँ पे आफ्टर है, गाइस यहाँ पे बिल्कुल आईफोन वाला इफेक्ट आ चुका है, आप यहाँ पे अच्छी तरीके से देख सकते हो। ठीक है, और आप यहाँ पे वीडियो को चला के भी देख सकते हो, देन आपको यहाँ पे सेल ऑप्शन क्लिक करना है, राइट वाला ऑप्शन क्लिक करना है, गाइस यहाँ पे ऑटोमेटिक ये वीडियो आप गैलरी में सेव हो जाएगी। और गाइस आप में फिल्टर और ऐप का यूज किया तो गाइस इन दोनों के लिंक आपको नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, गाइस आप इजीली जाके डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर से कर देना और अगर आप अपनी किसी भी फोटो को आईफोन जैसा बनाना चाहते हो तो गाइस राइट वाले वीडियो पे क्लिक कर जल्द से देखो।